साहब सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की वर्कशीट के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चन ऑफ द डे की आज की डेट है 5/9/2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पर गिवन है कि पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, जो एल एम है वो 5 सेंटीमीटर है, जो आर क्यू है और एम एन के बराबर है, आर क्यू जो है वो एम एन के बराबर है। हमको एंगल पी 100 दिया गया, तो हमसे फाइंड करने कहा गया एल एन एल और एंगल एल। जब इन्होंने कहा है कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंस हैं। ऑल्सो नेम द कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कॉन्ग्रेंट हैं और बोला है प्रूफ भी करके दिखो। देखो यहाँ पर हमको एक चीज़, पहली चीज़ गिवन है, हमको गिवन ये है कि जो क्यू आर है वो बराबर किसके है, एम एन के, ठीक। क्यू आर किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। इसके बाद देखो यहाँ पर पी आर जो है वो बराबर है किसके, एल एम के, ठीक। इसके बाद आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर कि आपका जो एंगल यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, एंगल पी जो होगा वो क्या होगा, एंगल एल के बराबर होगा। इसका मतलब हमने एस ए एस प्रॉपर्टी से बताया कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएगा ट्राइंगल एल एम एन के, एल एम एन के। इसका हम किससे बताया है, हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, एस एस ए प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना। अब हमसे देखो क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले तो हमसे कहा है कि एन एल निकालो, तो एन एल इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। एन एल जब पी क्यू के बराबर होगा तो वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एंगल एल निकालने को कहा है, एंगल एल जब एंगल पी के बराबर है इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।